बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नॉलेज ऑफ जॉब्स में आपका खुश आमदीद। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ऐसी जो लेटेस्ट वीडियोज़ होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। ये फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सन, इसमें जो है ऐसा में खाली थी हुकूमत सिंध की तरफ से, तो इसमें जो है डिसेबल पर्सन के लिए जो है 5% जो कोटा इसमें शामिल किया गया है। पहले नंबर पे असामी का नाम है डिस्पैच रेडर, इसमें स्किल जो होगा वो 4 और असामी की तादाद 1 और उम्र की है जो है वो 18 से 28 साल और डोमिसाइल का जो इसमें ज़िला है वो जामशरो और तालीमी काबिलियत जो है इसमें मिडल पास हो और ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो। उसके बाद नंबर सेकेंड पर है लेडी अटेंडेंट, इसमें जो है 2 स्किल होगा और 2 असामी और उम्र की है जो है वो 18 से 28 साल और डोमिसाइल जो इसमें चाहिए वो हैदराबाद और ठट्टा शामिल है। नंबर 3 पे है मेल अटेंडेंट, इसमें 2 स्किल होगा और 2 असामी हैं और इसमें डोमिसाइल जो है वो मिट्टी और कंदकोट नौशेरा फिरोज और इस पर क्या बात। नंबर 4 पे है आया कि इसमें खातून शामिल है फीमेल और इसमें 2 स्किल होगा और 1 असामी खाली है और इसमें उरंगी जो है कराची शामिल है डोमिसाइल में। नंबर 5 पे है कुकी, इसमें जो है ठट्टा शामिल है डोमिसाइल का और इसमें 3 असामी खाली थी। नंबर 6 पे है कनेक्टर की, इसमें 2 स्किल होगा और 2 असामी हैं और इसमें ईस्ट कराची जो है गुट की, इसमें डोमिसाइल शामिल होगा। और नंबर 7 पे है मालिक की, इसमें 1 स्केल होगा और 1 असामी खाली है, इसमें जो नौशेरा फिरोज डोमिसाइल जो है इसमें शामिल होगा। नंबर 9 पे है चौकीदार की, इसमें 2 स्केल और 5 असामी खाली हैं और डोमिसाइल के जो ज़िले शामिल हैं कुरंगी ईस्ट कराची खैरपुर और बदीन शामिल हैं। और नंबर 10 पे है सैनिटरी वर्कर या स्वीपर की, इसमें 2 स्केल होगा और 3 असामी हैं और इसमें 18 से 28 साल जो एज की लिमिट है और जैकबाबाद सखर कंबर बमकाम शोदा कोट जो है इसमें शामिल हैं। और इन सब में आप देख लें कि मिडिल पास है ये 200 सब की तालीम जो सेम है और उम्र की है जो सेम है वो 18 से 28 साल, ये कुल जो असम है वो 22 हैं। तो उसके बाद आप ये देख लें कि इसकी लास्ट डेट ये को कैसे हमने जमा करवाना है, तो वो उनके ये कायदे जवाब दिए गए वो आप देख लें कि 2 पासपोर्ट अदर जो है तस्वीर तालीमी कबलियत के साथ CNAC डोमिसाइल वगैरह जो है 30 मार्च 2019 तक दर्ज पर जमा करानी होगी। तो उसमें एड्रेस आप देख लें कि कराची डिवीज़न के लिए दिया गया है और हैदराबाद मीरपुर खास SBA डिवीज़न के लिए भी और सखर और लड़काना डिवीज़न के लिए भी आप ये एड्रेस देख रहे हैं, तो वहाँ से आप मज़ीद डिटेल जान सकते हैं या इस पर जो एड्रेस पर आपने ये फॉर्म सबमिट करवाना है। और उसके बाद आप ये देख लें कि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो 14 अप्रैल 2019 है। तो उसके बाद ये फ्रेंड्स उनका नीचे एड्रेस दिया गया है और इसमें कोई TA या DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये थी फ्रेंड्स आज के हवाले से वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।